बात उस समय की है जब ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बनाने जा रहे थे और वो इस फिल्म में अपने पसंदीदा अभिनेता और दोस्त राज कपूर से ये फिल्म कराना चाहते थे, पर उस समय राज साहब की तबीयत कुछ खराब चल रही थी। तो ऋषिदा के मन में ये बात घर कर गई, इस फिल्म में हीरो को मरना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि राज कपूर के साथ कुछ बुरा हो जाए। इसीलिए वो इस फिल्म के लिए एक दूसरे कलाकार की खोज करने लगे, जिसके लिए वो कई अभिनेता के साथ साथ बंगाली फिल्म के कई हीरो को अप्रोच किया, पर बात कहीं नहीं बनी। एक दिन राजेश खन्ना गुलजार साहब के घर पर बैठे थे, तभी इस बात की चर्चा हुई और राजेश खन्ना ने वो स्टोरी सुनी। स्टोरी सुनकर राजेश खन्ना साहब पागल हो गए। वो बोले कि मैं ये फिल्म करूंगा, और वो सीधे पहुंच गए ऋषिदा के घर। ऋषिदा राजेश खन्ना को देखकर थोड़े अचंभित हो गए, ये इतना बड़ा सुपरस्टार मेरे पास क्यों आया है। जब चर्चा शुरू हुई तो राजेश खन्ना साहब ने उनकी फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की, तो ऋषिदा ने सोचा कि आराधना और दो रास्ते जैसी सिल्वर जुबली फिल्मों में काम करने के बाद राजेश उनकी ये फिल्म क्यों कर रहा है। अभी राजेश खन्ना की फीस करीब 8 लाख रुपए थी, और मैं तो 1 लाख देने में भी सक्षम नहीं हूँ, ऐसा ना हो कि फिल्म स्टार्ट होते ही ये बीच में छोड़ दे। तो ऋषिदा ने राजेश खन्ना के सामने कई शर्तें रख दी, जिनमें पहली शर्त थी कि मैं इस फिल्म के लिए आपको केवल 1 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। दूसरी शर्त ये थी कि आपको सारी डेट्स एक साथ देनी होंगी, शूटिंग पर हमेशा समय से आना होगा। राजेश खन्ना को ये फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी कि वो ऋषिकेश मुखर्जी की सारी शर्तें मान गए और फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का नाम था आनंद और वो फिल्म गोल्डन जुबली साबित हुई। राजेश खन्ना का विश्वास सफल हुआ और वो 70 के दशक के सबसे बड़े सितारे बन गए, जो कि सुपरस्टार पहले ही बन चुके थे। इस फिल्म में अमिताभ ने भी काम किया था, जो कि उस समय स्ट्रगलर थे, पर बाद में वो भी सुपरस्टार बने। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।